डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ पे 14 mm की पित्त की थैली में पथरी है, तो उसका ऑपरेशन ना हो। 5 काम करने आपको। एक तो सुबह 4 बजे उठ के उनकी बॉडी की मालिश हो जाए, है ना, तिल के तेल से, जिससे कि उनमें योग करने की, सैर करने की हिम्मत आ जाए। फिर उनको सुबह 3-4 किलोमीटर की सैर करवाओ आप। पहले सैर करनी है, फिर रनिंग की भी आदत डालो, जॉगिंग की, है ना, इंटरमीडियट जो। फिर आपको उनको 1.5-2 घंटे योग कराना है, 1 घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम, बाकी आसन, सूर्य नमस्कार वगैरह, है ना। एक खाने की परहेज करने हैं, है ना, शाम का खाना सूर्य छिपने से पहले खाना खाना है, दिन में 2 बार खाना खाना है, और पित्त की थैली की पथरी के लिए दूध दही बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे, दूध दही ना खाएं, बाकी चाय, पराठा, अचार, तली चीज़ ना खाएं, उड़द, राजमा, छोले, पनीर, मटर से दूरी बनाएं, जब तक कि रनिंग नहीं करते। बाकी ज़्यादा चावल, आलू, दूध, दही, इनसे बचा दूरी करें। बाजार की चीज़, कोई ब्रेड, बिस्कुट, बासी चीज़ ना खाएं, बस उबला खाना, खिचड़ी, दाल, दलिया, सब्जी, रोटी दिन में 2 बार खाना खाएं। और एक पत्थर चट्टे के पत्ते का जूस, 2 पत्तों का जूस दिन सुबह योग और सैर करने के बाद ये ले लें, और कुल्थी की दाल हफ्ते में 2 बार ले लें। 3 महीने में पथरी ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेहनत करनी है।